पढ़ लेते सेट, सेट का नाम अंग्रेजी में बड़े अच्छे से लिखा जाता है। सेट के अंदर उसके अवयव होते हैं जो इस कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और अवयवों को अलग अलग करने के लिए मान लीजिए 2, 3, 4, 5 अवयव है, कॉमे का प्रयोग होता है। 5 अगर मैं 2 बार भी लिखूंगा तो माना एक ही बार जाएगा। ये हो गया सेट। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कनेक्शन, परिभाषित सुपरिभाषित समूह। क्या होता है? सुपरिभाषित, यानी जो आपने सेट डिफाइन किया है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छे बच्चों का समूह, ये सुपरिभाषित नहीं। सबसे खराब बच्चों का समूह, सुपरिभाषित नहीं। ए से नाम शुरू होने वाले बच्चों का समूह, ये सुपरिभाषित, ठीक है। दुनिया के बहुत अच्छे लेखक, कोई नहीं। सबसे अच्छे खिलाड़ी, सुपरिभाषित नहीं, ठीक है। ऐसे खिलाड़ी जिनके रन 10,000 से ऊपर है, ये सुपरिभाषित है, क्योंकि 10,000 से ऊपर रन वाले तो आप पहचान लोगे ना। अब कोई गया अच्छा खिलाड़ी, तो अच्छा किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो सुपरिभाषित जो समूह होता है वो कहलाता है सेट, उसे हम समुच्चय कहते हैं हिंदी में। इनको इनके जो सुपरिभाषित करने के बाद जो अवयव आते हैं, जैसे हमने कहा सम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ सम संख्या लिखोगे कॉमा लगा, विषम लिखोगे विषम कर। इस समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हमने बताए थे, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर। ये जो मेथड है, ये कौन सा मेथड है? रोस्टर, ठीक है। समुच्चय लिखने की विधियां फिर मुझे रिवीजन करवाना पड़ रहा है। समुच्चय लिखने की जो विधियां थी वो 2 थी। नंबर 1 रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, और नंबर 2 थी समुच्चय निर्माण। ये रोस्टर विधि तो यही है जो हमने ऊपर लिखा है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हूं, और इसी को अगर मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x की तरह इसके अवयव होंगे, यहाँ x बराबर होगा 2n, यहाँ n का मान जो है वो 5 से छोटा या बराबर हो गया, और n क्या होगी ये और बता दो। n एक प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या है प्राकृत संख्या। समुच्चय के जो नाम है, कुछ जैसे अंग्रेजी के सभी कैपिटल अक्षर समुच्चय का नाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ नामों को फिक्स कर दिया गया कि वो किसी और का नाम नहीं। यस, एन, ये सेट ऑफ नेचुरल, पहले बताया था, यानी एन आप किसी का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। एन हमेशा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन कहेंगे। एन में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। और भी बहुत सारे नाम है, क्यू आर, वो आप किताब में देख लेंगे, 3-4 क्लासों में लगातार बता चुका हूँ। इसके बाद जो बात आती है वो आता है, ये जैसे वन है, वन और एन, ये जो निशान है इसे कहते हैं बिलोंग। क्या कहते हैं? बिलोंग। इसका मतलब होता है एक सेट एन का अवयव, अगर अवयव है तो बिलोंग टू निशान आएगा, पहले अवयव लिखा जाता है फिर समुच्चय लिखा जाता है, और अवयव नहीं है तो आएगा नॉट। जैसे मान लीजिए हम कहें 1.5 है क्या इसमें? नहीं है, तो 1.5 नॉट बिलोंग टू एन। इसका शाब्दिक करते हैं कि 1.5 समुच्चय सेट को समुच्चय कहते हैं, सेट एन का अवयव नहीं। बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार। सेट के प्रकार में सबसे पहले आता है नल सेट, जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसका नाम होता है फाइव। क्या नाम होता है? फाइव। ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं होता, ठीक। इसके बाद आता है नंबर 2 यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। ये ऐसा समुच्चय होता है, इसका नाम नहीं होता है, जिसके अंदर दुनिया के सारे अवयव होंगे। यानी अगर आप सवाल नंबर्स का कर रहे हैं, सारे नंबर्स होंगे। आप अगर सवाल त्रिभुजों का कर रहे हैं, दुनिया के सारे त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कल बता चुका हूं, बहुत विशेष चीज नहीं है, खाली नाम ही इसका बड़ा है बस। अगर आप कहें कोई सेट ए है, इसमें अभी हमें 1, 2, 3, 4, और आप कहें एन ए, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। इसका मतलब ये भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट
यानी सेट ए के अवयवों की संख्या कितनी है? किसी सेट के जितने अवयव होते हैं उसके पीछे एन लगा के अगर ब्रैकेट लिख दो तो इसका मतलब उसने उस सेट के अवयवों की संख्या पूछी। बात समझ आ गई? इसके बाद हम पहुंच गए थे सबसेट पर, जिसे हम कहते हैं उपसमुच्चय। अब हम वहां पर पहुंचने वाले हैं जहां पर हमने कर रखा था उपसमुच्चय। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका सांकेतिक अर्थ है ए इज सबसेट ऑफ। पहली बात तो ये सांकेतिक अर्थ है। दूसरी चीज, इफ एक्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब है कि एक्स अगर ए का अवयव है, एक्स अगर ए का अवयव है तो 100% एक्स बी का भी अवयव। ये उपसमुच्चय की परिभाषा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक्स अगर ए का अवयव है और यहां से थोड़ी देर बाद पता लगे कि एक्स बी का अवयव है तो यहां से तुरंत सिद्ध हो जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। बहुत डिटेल में बता दिया, शॉर्ट में आ जाएगा, जल्दी समझा। हमने कहा अगर ए बी सी एक सेट है, इसके दो अवयव लिए हमने ए कॉमा बी और एक नए सेट का निर्माण कर दिया, इसका नाम रख दिया बी। देन पी इज सबसेट ऑफ, परिभाषा में कर लिखा था अगर किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर, कुछ अवयवों को लेकर हमने एक नया समुच्चय बनाया है, उस समुच्चय के सभी अवयव एक समुच्चय के अवयव हैं, तो ये वाला जो समुच्चय होगा वो इसका क्या होगा? उपसमुच्चय। नाम से पता लगा छोटा। अगर हम इसे वेन डायग्राम में दिखाएं, एक होता है वेन डायग्राम, वेन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी यूनिवर्सल सेट है उनको दिखाओ रेक्टेंगल से, इससे दिखाएंगे रेक्टेंगल आयत, इस आयत के अंदर दुनिया के सभी अवयव। एक सेट है ए, इसका नाम क्या है? ए। और एक सेट है बी, सेट को दिखाएंगे हम ब्रश से। अब बताओ बी इस सबसेट क्या सही है इसमें, ए इस सबसेट ऑफ बी या बी इस सबसेट ऑफ ए? आई क्यू लगा तो बताओ कौन सा वाला सही है? ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर, ए के अवयव यहाँ लिखे जाएंगे और बी के अवयव यहाँ लिखे जाएंगे। मान लीजिए हम इसी को बनाए, इसको हम कहते हैं पी और इसको कहते हैं हम ए, तो पी के जो अवयव है वो है ए और बी, और ए का अवयव जो पी के अंदर नहीं है वो कौन सा है? इवेंट डायग्राम कहलाते हैं। ये रीजनिंग को बताता हूँ, कोई कंपटीशन दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें रीजनिंग ना आती, ठीक है? तो ये सेट आपका सीधे वहाँ जुड़ जाता है। अभी हम विस्तार से बात करेंगे, कितनी बात समझ आ गई वेन डायग्राम का क्या? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उप समुच्चय की परिभाषा हम बता चुके हैं, किसी एक सेट के अवयवों को लेकर समुच्चय बनाइए तो उसे क्या कहते हैं? उप समुच्चय। उप समुच्चय को कल मैंने परिभाषाएं भी लिखवाई, गुण गुण लिखवाए थे। क्या लिखवाया था? इफ आई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। उप समुच्चय के गुण, जो फाई है रिक्त समुच्चय है, क्योंकि हमने किसी समुच्चय में से एक भी अवयव नहीं लिया तो बना रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय तो प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा? उप समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय का निर्माण इसके अवयवों से हुआ है। कौन से अवयव? जो हमने लिया ही नहीं। समझ में आ गई बात? नंबर दो बात, दुनिया के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, मैंने क्या बताया यूनिवर्सल सेट की परिभाषा, दुनिया के सभी अवयव यूनिवर्सल सेट में सारे समुच्चय में, तो जो भी सेट बनाओगे वो यूनिवर्सल सेट के अवयवों से तो बना, इसका मतलब हर सेट किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट का। इससे अगले बहुत महत्वपूर्ण बात, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि किसी सेट के सभी अवयवों को लेकर भी तो आप एक सेट बना सकते हो। अरे भाई दो लिए तो तीन भी तो ले सकते थे, एक एक तीन अवयवों को लेकर एक सेट बना, नाम रख देते उसका, ये अलग बात है वो इक्वल सेट हो जाते, इक्वल सेट का कंसेप्ट रह गया बता देते। यहाँ पर एक निशान और लगा देते, ये ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ये निशान लगा दिया और खाली ये लिख दिया इन दोनों में, इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, यानी बी वो सेट भी हो सकता है, ए वो सेट भी हो सकता है जो बी के सारे अवयवों को लेकर बने, ऐसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ। और यहां पर ये अगर इक्वल साइन नहीं लगा, इसका मतलब है ए का निर्माण जब भी करेंगे
वो बी के सारे अवयव नहीं ले सकते। इसका मतलब हुआ ए इज प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ गई? ए क्या है? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। क्या कहते हैं इसको? उचित उपसमुच्चय। दिमाग में आ गई बात? और आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये जगह है। अब मान लीजिए ए एक सेट है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बहुत ध्यान से सुनो, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए का निर्माण जो हुआ है वो बी के अवयव से हुआ, ठीक। एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज मान लेते हैं पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मान लेते हैं क्यू। बी के अवयवों की संख्या पी मान ली और ए के अवयवों की संख्या क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? कांड है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, भाई अभी हमने कहा कि इसके हमने दो लेके मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है, फिर ये दो लेके भी बना सकते थे, ये दो लेके भी बना सकते थे, एक एक लेके भी बना सकते थे, एक भी नहीं लेते वो भी बना सकते, तो किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? जैसे इसके देखें हम खाली इसके, मान लीजिए बता दीजिए, इम्पोर्टेंट बात है, डिटेल में होना चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ आ सेट, ये है किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। क्या है बात? समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, यह है हमारा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी के उपसमुच्चय बताइए कौन कौन से हो सकते। एक तो ऐसा करते हैं खाली एक एलिमेंट ले लेते हैं, बी ले लो, सी ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो और सी ए ले लो। एक बात और, सी ए और ए सी दो अलग अलग सेट होंगे, एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अवयव को सौ बार लिख दो उससे रुको कि ना, एक बार। और कौन सा बचा? ए बी सी, देखो अभी बताया तुमने ए सी बोल दिया, सी ए जब ले लिया तो ए सी का कोई मतलब, अब हमने तीनों अवयव ले लिए, अब भी कोई बन सकता है? अगर एक भी ना ले तो, एक भी एलिमेंट ना ले तो क्या बनेगा, कितने हो गए? एक उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आई बताओ? कितनी आई? आठ। गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ए के अवयवों की संख्या कितनी थी? एन ए। अच्छा इसे ऐसे लिख सकते हैं, दो के साथ तीन आठ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सूत्र बन जाए ए के उपसमुच्चयों की संख्या जो निकलेगी वो निकलेगी दो की घात एन ए माइनस दो की घात। किसी भी समुच्चय को उपसमुच्चयों की संख्या होती है दो की घात उस समुच्चय के अवयवों की संख्या। एग्जांपल लेके देखिए, चलो एक एग्जांपल ऐसा करो, ए बराबर ले लो दो कॉमा तीन, इसके उपसमुच्चय क्या आएंगे? सबसेट ऑफ ए। और समझ गए, अंग्रेजी में तो लिख रहा था, उपसमुच्चय लिखने में कितना टाइम लग रहा है और सेट ऑफ सबसेट लिखने में कितना टाइम लग रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश का यूज मैंने ज्यादा किया। सबसेट ऑफ ए क्या क्या आ जाएंगे बताओ? टू थ्री, टू थ्री और एक फाइव, कितने हो गए? ठीक है, तो नंबर ऑफ, ये तो सबसेट आए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए चार, चार का मतलब दो की घात, दो की घात एन ए हो जाए।
क्योंकि दो किसके अवयवों की संख्या है, एंड ए ए के अवयवों की संख्या कितनी है। इसका मतलब साधारण फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए के उप समुच्चयों की संख्या दो की घात। अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था उचित उप समुच्चय, किसका प्रयोग किया था उचित। अगर मैं कहूँ ए के उचित उप समुच्चयों की संख्या, तब कितनी आएगी, दिमाग वाली बात है, देखते हैं कौन बताता है। उचित उप समुच्चय कौन से होते हैं मैं बताया था, उचित उप समुच्चय वो उप समुच्चय है जिसमें उस समुच्चय के सारे अवयवों को नहीं लिया जाए। कितना आना चाहिए बताओ, भाई उप समुच्चयों की संख्या ये तो फिक्स है ना, इसमें से वो ए के सारे अवयव ले लिए जाएंगे, ए के सारे अवयव से तो ए ही बनेगा, तो ए के सेट तो हुआ दुनिया में ऐसा जो उसके सारे अवयवों को लेके बन रहा है, जो उचित उप समुच्चय और उप समुच्चयों में अंतर पैदा कर रहा है। उचित उप समुच्चय और उप समुच्चयों में अंतर कौन पैदा कर रहा है, उचित उप समुच्चय वो होते हैं जिसमें ए के अवयव नहीं लिए जाएंगे, कितने बचे दो के घात एन ए माइनस ए, ये कंपटीशन पता है, नंबर ऑफ इसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ प्रॉपर, उचित के लिए प्रॉपर शब्द का उपयोग करते हैं, सबसेट ऑफ सेट ए बराबर दो की घात एन ए। ठीक, अब आप इसकी थ्योरी आज पढ़िए, और थ्योरी पढ़ने के बाद